हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ ऑस्टिन एक्वेटिक्स में, जो वसई वेस्ट में है, और यहाँ पे भी बहुत से एक्जॉटिक फिशेज है, तो वो सब मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ ऑस्टिन एक्वेटिक्स में, और यहाँ पे भी बहुत से एक्जॉटिक फिशेज है, वो सब आज हम कवर करेंगे। तो उससे पहले हम ऑस्टिन सर से कुछ बातें करते हैं। हाय सर। हेलो फ्रेंड्स। तो सर, आज मैं पूछना चाहूँगा कि आपका जो स्लो मोशन कॉन्टेस्ट था, तो उसका रिजल्ट आप कब अनाउंस करने वाले हो? एक्चुअली हमें इतने अच्छे वीडियोस मिले, जैसे 70-80 वीडियोस हमारे पास आए। ओके। ऑलमोस्ट मतलब आपके भी सब सब्सक्राइबर व्यूवर्स थे उसके अंदर, जो अननोन थे हमारे लिए, तो उन्होंने भी पार्ट लिया, और उसमें से बहुत अच्छे अच्छे जो वीडियो है हमने वो नॉमिनेट किए हैं। टोटल 6 वीडियो हमने नॉमिनेट किए हैं, और हमने ये डाला था कि आप कमेंट करो, आप वोट करो, जो भी वीडियो आपको पसंद आता है। हमने 6 के 6 वीडियो को 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर अनाउंस किया है, और इसमें से जो फर्स्ट विनर, जो जिसको ज़्यादा वोट आएगा, जो फर्स्ट विनर है उसको स्टिंगरे मिले हैं। ओके। ये रिजल्ट मेरे चैनल पे आने वाला है 1-2 दिन में, आपके वीडियो के 1-2 दिन बाद। ओके। सो आप वहाँ पे जाके रिजल्ट देख सकते हैं, और जो भी नॉमिनेट हुए उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। या और मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आज एक्सोटिक फिशेस कौन से कुछ नए देखने मिलेंगे? जैसे लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि ये 20% ही स्टॉक है, तो इस बार हमने 80% लेके आए, आपको जरूर मजा आएगा। और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स लेके आए हैं, बहुत टेट्रा वराइटीज भी है। सो गाइज, बने रहिए पूरे वीडियो तक। तो चलिए फिर कुछ फिश स्टॉक्स देखते हैं। तो फ्रेंड, ये फर्स्ट टैंक है जिसमें ये मॉन्स्टर फिश है, और ये रेड फायर ईल है। अराउंड 2 फीट का ये साइज है इसका, और आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये थिकनेस भी इसका बॉडी का बोल सकते हो 3 इंचेस है, 3 के आसपास। और ये और कोई मॉन्स्टर फिशेस के साथ कौन से रख सकते हैं हम लोग? ये आप कोई भी मॉन्स्टर, जैसे अरवानाज हो गए, पिकॉक बास हो गया, इसको खाली आपको हाइडिंग प्लेस डालना पड़ेगा, जैसे कोई पॉट हो गए। हाँ। या कोई आप डिज़ाइनर पॉट बनाते हैं वो भी चीज़, या वुड आप डाल सकते हैं, लेकिन वुड में रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसके बॉडी पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। सो ये इतना बड़ा साइज मैंने मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। आपने देखा होगा शायद से, आप तो घूमते हो हर शॉप पे, लेकिन मैंने तो पहली बार देखा है। और ये 1 मीटर तक लंबा होता है, अभी इसका साइज अराउंड 2 फीट है। और स्मॉल साइज के भी आपको फायर रील्स में आपको दिखाऊंगा बाद में। ये देखिए, ये देखो जितना क्लोज आ रहा है उसका पैटर्न देखो, कलर देखो, वो अपने लिए नजदीक आ रहा है। और ये देखिए पूरा इसका टेल में भी पूरा बॉर्डर आप देख सकते हो, फिन्स ऑरेंजिश है पूरे। तो ऐसे अलग अलग बहुत से मॉन्स्टर फिश आपको देखने मिलेंगे आज, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। और ये पूरा कलरफुल सिकलेट से भरा हुआ टैंक है, इस सब अराउंड 4 इंचेस के साइज में। इसमें 6 से 7 वराइटीज है। yeah. और इसमें हमने कल ही अपडेट किया था, लास्ट टाइम आपने मौलाना चिकलेट देखा होगा, स्ट्रॉबेरी देखा होगा, इस बार हमने इसके अंदर येलो पिकॉक, डॉल्फिन्स और कुछ सल्फर हेड्स भी है, आइस ब्लू चिकलेट्स भी है, इलेक्ट्रिक ब्लूज भी है, बहुत ही कलरफुल है और अच्छा स्टॉक में है। जो अगर आपको अगर शॉप करना है तो आप जल्द से जल्द हमारे ऑनलाइन स्टोर को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सब रेट और मच्छी के साइज़ और कंडीशंस का जो भी आपको अगर सवाल है तो हमको आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो गाइज, ये हमारे पास अभी जो हम कवर कर रहे हैं ये है गोल्डन हाई बैक, और ये क्यानू फार्म का है जो सिंगापुर से है। इनके पैटर्न आप स्केल्स, गोल्डन स्केल्स, उसका टेल प्रॉपर देख सकते हो। इनके 8 इंच के साइज में ये इतना गोल्डन है गाइज। और अच्छा कलरेशन है, और पैटर्न भी, स्केल्स भी इसके बहुत अच्छा है, और एकदम हेल्दी फिश है। और ये अराउंड 8-9 इंचेस बोल सकते हैं साइज। करेक्ट। सो यही पे हमारे पास एक चेकर बोर्ड येलो डिस्कस है, इनका साइज 4 इंचेस है। इनके भी पैटर्न आप प्रॉपर देख सकते हो। हमारे पास सिर्फ 2 पीस बचे हुए हैं, एक्चुअली स्टॉक आया था 2 दिन पहले लेकिन जल्दी सेल आउट हो गया, तो ये 2 पीस बचे हैं हमारे पास सिर्फ। और ये टैंक में पीकॉक बास है, ये मोनोकिलेस है। ओके मोनोकिलेस है, इनका साइज 9 इंचेस प्लस है। हाँ। और इनके पैटर्न देखिए आप। थोड़ा भी ब्लैक, नॉर्मल डार्क जो उनके बॉडी पे रहता है वो नहीं है, प्रॉपर गोल्डन है। और एक कली स्टॉक है तो फिर भी और गोल्डन हो जाएंगे ये 2-3 दिन में। ओके फिलहाल अभी एक पैर है यहाँ पे। तो इसमें एक ऐसा, ये साइज में मेल फीमेल पता चल सकता है?
नहीं नहीं थोड़ा नहीं। और बड़ा होंगे तो उनका ब्रीडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके ओके, तो ये दोनों अराउंड रहेंगे 10 इंचेस से 1 फीट के आसपास। और अरवानाज है यहाँ पे, सिल्वर अरवाना है या हमारे पास दो बड़े सिल्वर अरवानाज है जिनका साइज 12 इंचेस प्लस है या। और ये और यहाँ पे जो आप अभी कवर कर रहे हैं वो है सुपर हाई बैक। ओके ओके, जो बुकेट मेरा फार्म से है, मलेशियन फार्म। ओके, इनका भी साइज आराम से 10 इंचेस है या। इसके स्केल्स आप ध्यान से नजदीक से देखो, बहुत ही प्यारे गोल्डन है एकदम। ये सुपर हाई बैक है। ओके ओके, तो फ्रेंड्स ये एंटिटी है और ये अराउंड रहेगा 7 इंचेस प्लस है। ये भी आप मॉन्स्टर फिश टैंक्स में ऐड कर सकते हो और इनका भी साइज बढ़ जाता है। और स्मॉल साइज में भी अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये स्ट्रेस में है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ब्लैक हो गया है, ये एक्चुअल गोल्डन कलर में है या। तो ये एक ब्यूटीफुल अल्बिनो हैकेली है जो अराउंड रहेगा 6-8 इंचेस साइज में। और स्मॉल साइजेस भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो आप इसका फेस और पूरा बॉडी पैटर्न देख सकते हो कैसा शाइन हो रहा है। तो ये थोड़े सेमी एग्रेसिव फिशेस है, राइट? हाँ, ये आप एंजल्स, डिस्कस, ये नॉर्मली इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मॉन्स्टर साइड पे नहीं जाता ज़्यादा। अच्छा, ये इतने एग्रेसिव नहीं होते। बहुत ही ब्यूटीफुल कलरेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलरेशन। और जैसे आप टैंक में भी अपने सेट करोगे तो और इसका अच्छा कलरेशन ये दिखाएगा। तो ये ब्रीडिंग साइज बोल सकते हैं? हाँ, ये ब्रीडिंग साइज है या। और कुछ स्मॉल साइज के मैं आपको दिखाता हूँ अल्बिनो हैकेली, ये देखिए। तो ये भी अराउंड 3 इंचेस के, 3.5 इंचेस में है इसमें। और इसमें जियोफेगस भी है, तो वो कौन से जियोफेगस है? इसके अंदर सूरिनामेंसिस भी है दो पीस, और एक पीस रेड हेड तपोजा है। ओके ओके, और रेड हेड तपोजा पॉट के पीछे। हाँ, ये देखिए। तो जियोफेगस की भी आपको बहुत से अलग अलग वेराइटीज़ यहाँ पे देखने मिलेगी जब भी आप आओगे, विजिट करोगे। और ये भी अराउंड सब 3-3.5 इंचेस के साइज़ में है। और आप स्मॉल साइज़ के भी देख सकते हो, ये अल्बिनो एकेली, इनका कलरेशन आप देख सकते हो, ये देखिए। ये एंटिटी है जो हमने बड़ा कवर किया 7 इंचेस का, ये 4 इंचेस के साइज़ में भी अवेलेबल है हमारे पास। ओके, और ये अभी थोड़ा सा कलर इनका ये हो गया है ना? ये कल ही स्टॉक आया है, सो ऑब्वियसली ये स्ट्रेस में है, इनको सेट होने के लिए और एक दिन जाएगा। हाँ, फिर ये प्रॉपर कलरेशन में दिखाएंगे। लेकिन तो भी आप उसके पैटर्न्स बैंड प्रॉपर देख सकते हो या। पीछे वाला प्रॉपर अभी भी अच्छे से दिखा रहा है बैंड। और ये अराउंड फ्रेंड्स रहेगा 4 इंचेस के आसपास, 3.5 इंच से लेके 4 के बीच में। और इसमें फ्रंटोसा सिकलेट्स है जो अराउंड रहेंगे 2.5 इंचेस के। और ये जो दूसरे है वो कौन से है? ये ब्लैक कैलवस है। ओके ओके, जिसका साइज 5 इंचेस तक मैक्स जाता है, बढ़ता है। ओके ओके, तो वो भी तंगानिकन सिकलेट्स में आते हैं या किस में आते हैं? यस यस, तंगानिकन में। ओके ओके, इसके अंदर दिबोसिस भी थे लेकिन सब सेल आउट हो गए, खाली अभी ये 4 पीस बचे हैं मेरे पास। तो ये देखिए स्मॉल साइज में है ये रेड फायर हिल, और ये अराउंड रहेगा 6 इंचेस का। तो आपको स्मॉल साइज से भी आप स्टार्ट करना चाहते हो मॉन्स्टर टैंक के लिए, तो आप ले मिलेगा आपको यहाँ पे सब स्मॉल साइज में भी मॉन्स्टर फिशेस। और यहाँ पे ये जैक डैम सी है, राइट? यस, इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डैम सी, 2 इंच का साइज है या। बहुत ही कलरफुल इसका बॉडी और पैटर्न आप देख सकते हो। तो ये अराउंड सब अराउंड 2 इंचेस के हैं और कुछ बड़े भी है इसमें। और ये बोलिवियन रैम्स है जो अराउंड 2.5 इंचेस के साइज में है। और इसमें एक कैटफिश भी है एक्जॉटिक, ये वेलेंटिनो पेट्रिकोला कैटफिश है। ओके, इसको आप क्लोज देखिए, वैसा पैटर्न है, ब्लैक स्पॉट्स है इस पर। और ये अराउंड 3-3.5 इंचेस के साइज़ में है अभी। और बोलिवियन रैम भी अराउंड 4 इंचेस तक जाते हैं, राइट? यस यस, तो ये भी ज़्यादा इतना एग्रेसिव नहीं है। नहीं, ये प्लांटेशन में आप रैम्स के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके ओके, और इनका भी आप कलरेशन देख सकते हो, फिन्स पे थोड़ा सा ऑरेंजी से आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टैंक में है ये पेरू गोल्डन कॉरिडोरस है या। ये भी एक्जोटिक कॉरिडोरस में आता है। इसके साथ हमारे पास 4 वैरायटी और है कॉरिडोरस की जो हम लेटर ऑन कवर करेंगे, लेकिन अभी ये हमारे पास फिलहाल इसमें 6 पीस अवेलेबल है या। और पूरा गोल्डनिश एकदम शाइनी है। हाँ, इसका बॉडी पैटर्न, ये बॉटम फीडर्स में आप प्लांटेशंस में या नॉर्मल टैंक्स में विदाउट चिकलेट्स मतलब मॉन्स्टर्स के साथ नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते आप। ओके ओके, और ये भी अराउंड कितना साइज जाएगा इनका? 1.5 इंच तक जाता है और एक 2-2.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच भी नहीं बोल सकता, 2 इंच। ओके ओके,
इसमें रेड रेम्बो और ब्लू रेम्बोज है, और एक दो पीस कुछ पेट्रिकोला कैटफिश के भी है, डेढ़ इंच के आपके सामने आया वो पत्तों के ऊपर है। तो ये रेनबो फिशेस भी अराउंड 2 से 2.5 इंच के साइज में है दोनों, रेड और ब्लू रेनबोस। और ये देखिए पेट्रिकोला कैटफिश जो अराउंड 1.5 इंच की है। तो फ्रेंड्स इस टैंक में जर्मन रैम्स है जो अराउंड 2 से 2.5 इंच के साइज में है। इसके अंदर जो प्लेकोज है वो नॉर्मल प्लेकोज नहीं है, और रेड आइज प्लेकोज है और जो इम्पोर्टेड में आते हैं ये देखिए। और ये जो रैम्स है अराउंड 2 से 2.5 इंच के, और इसमें भी अच्छा खासा स्टॉक है इनके पास। और कुछ फीमेल बीटास भी है जिनको ब्रीडिंग करना है, तो वो भी आपको अलग अलग यहाँ पे बीटास मिल जाएंगे। यहाँ पे गप्पीज़ का स्टॉक है और अलग अलग इसमें गप्पीज़ है। तो कौन से है इसमें गप्पीज़? ये रेड कोबरा गप्पीज़ है, एक्जॉटिक में आता है। इसके बॉडी पे आप पैटर्न देख सकते हो, आप क्लोज जूम करोगे तो आपको शायद से वो दिख जाएगा। प्रॉपर फाइन पैटर्न है हर एक गप्पी के टेल में। ये सब मेल ही है इसके अंदर, फीमेल्स नहीं है। हाँ। और इसके अंदर मेरे पास ब्लू कोबरा गप्पीज भी थे, एक की पीस शायद से बचा। यस ये वाला पैटर्न देखो गाइस, कितना प्रॉपर नियॉन कलर है उसके बॉडी पे। हाँ। यहाँ पे ब्लैक मॉस्को गप्पी है, ये देखिए। इसके अंदर मेरे पास टक्सीडो भी था, शायद से उसकी एक टक्सीडो की एक फीमेल बची हुई है जो आप नीचे देख सकते हो। हाँ, ये सब मेल सेल आउट हो गए। तो ये एलिगेटर गार है जो अराउंड 6 से 8 इंचेस के बीच में है साइज़ इनका, और फिलहाल अभी 2 ही अवेलेबल है, ये देखिए। तो ये भी अराउंड साइज़ इनका मैक्स कितना जाएगा सर? ये बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, मतलब वाइल्ड में तो मतलब मैंने 10 फीट भी पढ़ा हुआ है विकिपीडिया पे, लेकिन अपने एक्वेरियम में मैक्स मैंने 3.5 से 4 फीट तक देखा है। ओके, तो इसमें BSP एंजल्स है जो अराउंड 3 इंचेस के है, ब्लू एंजल्स है एक। ये अल्बाइनो कॉरिडोरस है, रेड आइज अल्बाइनो है, और इनका साइज अराउंड 1 इंचेस प्लस है। ओके, थोड़े बड़े पीस भी है, कुछ छोटे पीस भी है। और आपको यहाँ पे होलसेल में भी ले सकते हैं? हाँ, आप शॉपकीपर हो तो भी आप हमें कांटेक्ट करके आप बता सकते हो कि मैं शॉपकीपर हूँ, आपका कार्ड जो भी विजिटिंग कार्ड है आप हमें भेज के आपको वही रेट में सप्लाई किया जाएगा। आपके क्वांटिटी पे डिपेंड करता है आप क्या क्वांटिटी लेते हो। और इस टैंक में रेड आई रेड डेविल है, ये देखिए, जो अराउंड 2.5 से 3 इंचेस के है। इसके अंदर अल्बाइनो मनाका पूरा भी है जो वाइट कलर में आप देख सकते हो, रेड आई अल्बाइनो मनाका पूरा। और ये जो बैक साइड ये जो है गोल्डन कलर के, ये कौन से? ये गोल्डन हेड स्कार एंजल्स है। ओके, गोल्डन हेड स्कार एंजल्स, ये देखिए, ये भी अराउंड 3 इंचेस है, 3.5। ये मार्बल एंजल, मार्बल एंजल्स है। तो एंजल्स का भी बहुत अच्छा खासा स्टॉक है यहाँ पे। तो ये गोल्डन हाई बैक है जो अराउंड 2 फीट का है, और इसमें बैंडेड लेपरोनीज है जो रहेंगे कुछ सब 8 इंचेस प्लस साइज है। और एक ये फ्लैग टेल है, राइट? रेड फ्लैग टेल, रेड फ्लैग टेल 10 इंच का साइज है। तो इसमें कभी कभी स्मॉल साइजेस भी आ जाते हैं, राइट? यस यस, स्मॉल साइज भी आते हैं, लेकिन अभी इस बार उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया शॉप पे। ओके, क्योंकि कस्टमर्स को अगर हम रिजनेबल रेट में नहीं प्रोवाइड कर पा रहे तो वो कुछ मतलब नहीं वो चीज़। ये भी बहुत हेल्दी फिश स्टॉक है यहाँ पे, और इनका कलरेशन आप देख सकते हो टेल में और फिन्स में। तो ये भी थोड़ा सेमी अग्रेसिव में जाता है। यस यस, ये एक्चुअली एल्गे क्लियर भी करते हैं, एल्गे वेफर्स इनका खाना रहता है, उनका फेस पैटर्न देख सकते हैं। वो ग्लास नॉर्मली क्लीन करेंगे या एल्गे वेफर्स खाएंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे एक 24 कैरेट है गोल्डन अरवाना जो अराउंड ये भी 1.5 फीट के थोड़ा ऊपर है साइज, राइट? यस यस, ये 22 इंचेस तक आराम से। तो आपको ऐसे एक्जोटिक अरवानास भी जो ऑर्डर करके मंगाना है तो वो भी मिल जाएंगे यहाँ पे। आप स्केल्स देख सकते हो इसका, बॉडी पैटर्न में देख सकते हो, और ये फिन्स में भी आप कलरेशन देख सकते हो इनका। तो फ्रेंड्स ये पांडा विपटेल है और ये अराउंड 2.5 इंचेस के है, ये देखिए। तो आपको ये भी जल्दी देखने नहीं मिलेगा, नॉर्मली रेड विपटेल सब जगह देखने मिलते हैं। हाँ, ये एक्जोटिक प्लेकोज है जो आपने नॉर्मल विपटेल देखे होंगे, रॉयल आते हैं, रेड आते हैं, इसके अंदर ये पांडा पैटर्न में आते हैं। और इसमें 183 भी है जो रॉयल आप प्लेको बोल सकते हो। नॉर्मल प्लेकोज में जैसे गोल्डन एलिगेटर्स हो गए, सियामीज एलिगेटर हो गए, ये सब नॉर्मल प्लेकोज हो गए जो प्लांटेशन टैंक में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम इलस्ट्रीम लोच या ऑटो सिंकलर्स या विपटेल्स, ये सब थोड़े से एक्जॉटिक में आ गए। और यहाँ पे एक लॉबस्टर है, ये डार्क मरूनिश कलर है इसका, ये भी अराउंड 4 इंचेस का है।
ये देखिए, तो इसको नॉर्मल कम्युनिटी टैंक में रख सकते हैं क्या? ये फिशेस को हार्म करेगा, ये फिशेस को हार्म करेगा, लेकिन वही फिशेस को करेगा जो बॉटम फीडर्स है या गप्पीज, आप गप्पीज के साथ डालोगे तो वो हार्म करेगा। नॉर्मल आप थोड़े से लाइक टाइगर डॉलर्स उनके साथ डालोगे, मॉलीज जो फास्ट मूविंग फिशेस, जो फास्ट मूविंग फिशेस है उनको हार्म नहीं करेगा, और उनको भी हाइडिंग प्लेसेस लगता है। या तो ये एक SRD फ्लावर ऑन है, बड़ा साइज है, ये जम्बो हेड है, और ये अराउंड रहेगा कुछ 8 to 10 inches का, और देखिए ये कितना एक्टिव है। तो ऐसे फ्लावरॉन्स भी आपको मिलेंगे यहाँ पे अलग अलग देखने को, और ये शॉर्ट बॉडी अल्बिनो फ्लावरॉन्स है, राइट? यस यस। ये देखिए ये भी अराउंड कुछ 3 inches के साइज में, तो ये शॉर्ट बॉडी में गोल्डन फेडर है यहाँ पे, और ये कलरफुल टैंक है, सब विडोज है इसमें, येलो पिंक मरून ग्रीन सब आपको मिल जाएंगे, सब 1 inches के साइज में है। और इस टैंक में हार्ली क्वीन रासबोराज है और गोल्डन एलिगेटर्स है जो अराउंड 2 inches के है। तो यहाँ पे एम्बर ट्रेटरा है, और कोरिडोरास का एक वैरायटी है यहाँ पे, सिमिलिस कोरिडोरा। ओके ओके, ये देखिए। और इस टैंक में ऑटो सिंकलर्स है बहुत से, ये देखिए, जो बहुत ही यूज़फुल है एल्गे के लिए। और नियॉन टेट्रास है, राइट? यस यस, नियॉन टेट्रास। यहाँ पे कॉपर टेट्रास है, वाइट फिन टेट्रास है, और ग्लो लाइट टेट्रास, ग्लो लाइट टेट्रा, या। और उसी के बाजू में, बाजू के टैंक में हमारे पास हाफ बिक है, प्लैटिनम हाफ बिक, इसका साइज अभी अराउंड 1 inches का है। या ये भी थोड़ा सा आप बोल सकते हो फेस इसका वो एलिगेटर गार जैसा है। करेक्ट करेक्ट, तो ये 2 inches तक साइज जाता होगा, 2-2.5, थोड़ा सा और बड़ा होता है, 3 inches तक आराम से जाता है। और यहाँ पे ब्लैक नियॉन है, राइट? यस यस, ब्लैक डायमंड नियॉन। ये देखिए ये भी 1 inches से थोड़े बड़े साइज में। अभी हम जो अभी कवर करेंगे ये है एंडलर रेड एंड वाइट गप्पीज। ये एंडलर गप्पीज में आते हैं जिसको प्रॉपर टेल नहीं रहते, जो आपको सीजर टेल दिखेंगे पीछे से, और उसी के अंदर हमारे पास प्लेको वैरायटी है, हिलस्ट्रीम लोच। इनके बॉडी पे आप पैटर्न देख सकते हो, प्रॉपर क्लीन पैटर्न है एकदम। तो ये भी सब अराउंड 2 inches के साइज में है, हिलस्ट्रीम लोच। और यहाँ पे मुझे एक एग्जॉटिक कैटफिश की वैरायटी है। हाँ, ये हमारे शॉप पे फर्स्ट टाइम आया है कैटफिश, ये होपलो कैटफिश है। इसका साइज मैक्सिमम 15 centimeters तक बढ़ता है, लाइक 6 inches। ओके ओके, ये ऑर्नेट बाइचर है, और इसका साइज अभी 3 inches का है। इसके लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था बहुत बड़ा, जो 15 inches का था, उसी का छोटा वर्जन। तो यहाँ पे एक SRD फ्लावर ऑन है जो अराउंड रहेगा 4-5 inches। ये देखिए बहुत ही एक्टिव है ये, और इसका हेड भी आप बोल सकते हो जम्बो साइज है। तो जैसे आप सेट हो जाएगा ये आपके टैंक में, और भी इसका पैटर्न एनहेंस हो जाएगा, कलरेशन भी आप देख सकते हो और भी बढ़ेगा। अभी ये जस्ट स्टॉक आया हुआ है ये सब फ्लावरॉन्स का। और ये कौन सी फिश है? ये वाइजा पर्सी है। ओके, और ये प्रॉपर उसको भी हेड आता है, अगर ये मेल होगा तो उसको भी हेड आएगा। और इसका कलर जो आपको व्हाइटिश दिख रहा है ऊपर, वो पूरा डार्क येलो हो जाता है, और पूरा नीचे ब्लैक पैटर्न हो जाता है, तो ये दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। अच्छा, मेरे लास्ट मतलब लास्ट 2-3 वीडियोस में आपने देखा होगा कि इससे बड़ा साइज मैंने लाया था 10 inches का, जिसको प्रॉपर हेड था। और इसमें रॉटकिल सीरम है बड़े साइज का, ये अराउंड रहेगा 5-6 inches। और बहुत से पैरट्स है यहाँ पे, और डॉलर्स भी है बड़े साइज में, ये देखिए। तो डॉलर्स अराउंड रहेंगे 4 inches के, और डॉल्फिन सिकलेट भी है। और नीचे साइड में आपको मैं दिखाता हूँ, ये पूरा लो टेक प्लांट्स है, ये पूरा टैंक बड़े साइज़ का है, बहुत सा प्लांट्स है यहाँ पे। और ये सब पॉट वाइज कुछ 100 rupees से स्टार्ट होते हैं। और ये देखिए मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ, तो आपको इसमें एनीबियस के भी मिल जाएंगे, राइट? ये एनीबियस के, ये एनीबियस की बहुत सारे वराइटी है हमारे पास। और देख सकते हैं आप, और इसमें स्मॉल वराइटीज यहाँ पे जावा फन भी है हमारे पास। ओके, ये देखिए, या जावा फन है मेरे पास, विंडेलो भी है, जावा विंडेलो, ये देखिए, और सब हेल्दी प्लांट्स है।
और आपको बहुत से अलग अलग प्लांट्स भी यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। ये देखिए, तो ये रेड आई जाइंट गुरामी है जो अराउंड रहेगा 4 inches का, और ये भी बहुत बड़ा साइज़ होता है इनका, 1.5 feet तक जाता है, 2 feet तक भी आप बोल सकते हो टच हो जाएगा। और ये देखिए, तो फ़िलहाल अभी एक ही अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे जैपनीज कोइज है जो अराउंड 6 inches से स्टार्ट होते हैं, और बड़े साइज़ के भी है 1 feet के, और एक इसमें वेल टेल कोई भी है, राइट? हाँ, इसके अंदर एक वेल्टर नॉर्मल कोई है जो लोकल कोई है, या बाकी सब आपको जापनीज कोई ही मिलेगा। या तो जैपनीज कोइज का भी स्टॉक हमेशा आते रहता है यहाँ पे अलग अलग। तो यहाँ पे एक पैर कबूटो कोइज का भी है, ये देखिए। और ये कौन से जियोफेगस है? ये जियोफेगस ब्रासिलियंस है। ओके, और ये अराउंड रहेंगे कुछ 4 inches का है शायद। ये मेल फीमेल है, राइट? हाँ, ये मेल फीमेल है। तो फ्रेंड्स, ये लेफ्ट साइड में जो देख रहे हो आप वो मेल है जो अराउंड रहेगा 3.5 inch का, और ये फीमेल है जो 4 inches के साइज़ में है। और यहाँ पे श्रिम्स है पूरा, येलो श्रिम्स है, रेड श्रिम्स है यहाँ पे, जो आपको मिल जाएंगे होलसेल में भी मिलेंगे। और श्रिम्स का भी प्राइस आप देख सकते हो, वेबसाइट में चेक कर सकते हो। तो ऑस्टिन सर, आप क्या मैसेज देना चाहोगे हॉबीस्ट को? हॉबीस्ट को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जब भी ऑस्टिन एक्वेटिक से शॉपिंग करेंगे, आपको हेल्दी फिश ही मिलेगा और रिजनेबल रेट में ही मिलेगा। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करेंगे ताकि आपको हमारे वीडियोस का और स्टॉक का रेगुलर अपडेट मिलते रहे। और गाइज, सेकेंड थिंग ये है कि आप रिजल्ट के लिए हमारे वीडियो पर जाके चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। ऑस्टिन एक्वेटिक नाम है, मैं भाई को बोल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। आप जो भी विनर्स है उनको 500 rupees का गिफ्ट वाउचर है, और आने वाले जो भी जैकपॉट्स है, गिव अवेज है, हम भाई को बोलेंगे आके कवर करने के लिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आने वाले हैं जल्द से जल्द। सो गाइज, मिलते रहना और गुरु भाई आते रहना। जरूर जरूर, और भी हम नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे आगे, पर्टिकुलर कोई फिशेस के केयर के ऊपर भी। तो थैंक्स फॉर कॉलिंग मी वंस अगेन। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये था ऑस्टिन एक्वेटिक फ्रॉम वसई बेस्ट। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आपको कौन सी फिशेज़ ज़्यादा पसंद आई वो भी मुझे बताइए कमेंट करके। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।